यूं तो सारा पाकिस्तान ही लजीज खाने बनाने में अपनी मिसाल नहीं रखता, लेकिन कुछ इलाकों की अपनी ऐसी सौगात और स्पेशलिटी होती है जो उसे दुनिया भर में मुमताज करती है। रावलपिंडी से लाहौर की जानिब जीटी रोड से सफर कर रहे हों तो सोहावा के करीब तरक्की टोल प्लाजा क्रॉस करके डुमेली मोड़ आता है। इस इलाके को मकामी तौर पर अमराल मोड़ कहते हैं और गुज़िश्ता 50 बरसों से यहाँ के पकौड़े, समोसे, अमरसे और जलेबी न सिर्फ मकामी लोगों की पसंदीदा खुराक है बल्कि दूर दराज इलाकों से और बिलखसूस ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी यहाँ के सौगात को बेहद पसंद करते हैं। इमराल मोड़ के अमरस से चावल से बने हैं जबकि यहाँ की जलेबी की भी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मकामी लोग रोजाना मामूल के सफर में यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर इस सौगात के जरूर मजे लेते हैं। कुछ लोग जब अपने आबाई इलाके वापस आते हैं तो ये सौगात अपने खानदान वालों और दीगर दोस्तों के लिए भी जरूर लेकर जाते हैं। हम इसी डुमेली के हैं, आगे हमारा गांव है। दूसरा ये यहाँ की जो है स्पेशलिटी है, ये जो हम रस्से हैं, यहाँ की जलेबी है, ये स्पेशलिटी है और आज से नहीं है, बचपन से हम आ रहे हैं। और यहाँ के जो लोग बाहर भी हैं, हसन कराची या लाहौर, जहाँ पे वहाँ पे भी ये यहाँ से लेके जाते हैं। देखिए जी, हम यहाँ से ना तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमारा गाँव है। इनका जो टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। स्पेशल यहाँ की जो जलेबी थी ना, ये इनकी अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी थी जो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे हमने ये जलेबी नहीं है, ये लेके गया था यूके में। यूके में 2 दफ़ा गया हूँ और दोनों दफ़ा ये वाली जलेबी लेके गया था और वहाँ बहुत पसंद की गई है। 50 बरस पहले जब 1971 में यहाँ पहली दुकान खुली तो किसी ने सोचा भी ना था कि ये एक ऐसा सियाहती मरकज बन जाएगा जहाँ दूर दूर से लोग असली जलेबी और चावल से बने अमरसे खाने आएंगे। लेकिन दूर दराज से आने वालों और मकामी लोगों में अमराल मोड़ की मकबूलियत इस बात की दलील है कि पाकिस्तानी आवाम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने इलाके की सौगातों को कभी नहीं भूलते। जो पॉइंट है ये 1971 से है और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, खुश इखलाक, हमारी जलेबी की तरह मीठे लोग हैं। ये हमारी जलेबी की ख़ास बात ये है कि ये विदाउट केमिकल है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। मैदे और चीनी के साथ बनती है, बाज़ औक़ात हम लोग इसमें गुड़ शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ये देसी मरसा बनता था जिसको अब हम लोग बड़ा मरसा बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हमने चेंजिंग की क्योंकि यहाँ पे बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे जो लोग नरम अमरसा पसंद करते थे। बेसिकली अमरसा जो है वो सख्त होता है, कुरकुरा सा होता है, तो उनके हवाले से हमने मज़ीद इसको बेहतर किया, इसमें नारियल डाला, गुड़ की मकदार को बढ़ाया। ये आपको बताता चलूँ कि ये गुड़ और चावल से बनते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फॉरेन दोस्त हैं, स्पेशली इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और ख़ास करके जो मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग हैं जो वहाँ पे बस रहे हैं, वो जब भी अपनी अपनी छुट्टियाँ ख़त्म करके वापस जाते हैं तो वो सारे अपने अपने साथ ये तोहफे के तौर पर लेके जाते हैं। सोहावा के इलाके डुमेली मोड़ पे वाक़े अमराल मोड़ की जलेबी और मरसे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और यही स्पेशलिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इस जगह पर लेकर आती है। तनवीर खटाना, रेडियो संगम, सोहावा।